जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मंगलवार के दिन दो लौंग एक कपूर से ये अचूक उपाय करना है आपको। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये उपाय समझाने मात्र का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जीवन में जब चारों तरफ अंधेरा बढ़ जाता है, परेशानियां ही परेशानियां बढ़ जाती हैं, कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, और यदि आपको उम्मीद की कोई भी किरण ना दिखाई दे रही हो, तो ऐसे में आपको संकट मोचन हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। कैसे भी विपदा क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। मंगलवार के दिन आपको दो लौंग और एक कपूर से यह अचूक उपाय करना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा करते समय कपूर का होना अति आवश्यक है। माना जाता है कि पूजा में कपूर का होना बहुत ही शुभ होता है। कपूर का प्रयोग हवन में और प्रतिदिन किए जाने वाली पूजा में भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन कपूर का इस्तेमाल करने से घर में आई हुई नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और आज हम आपको कपूर का ऐसा ही कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप यह उपाय मंगलवार के दिन करना भूल जाते हैं तो आप यह शनिवार के दिन कर लें, और यदि आप शनिवार के दिन भूल जाते हैं तो आप यह उपाय मंगलवार के दिन कर लें। मंगलवार की रात के समय आपको यह उपाय करना होगा। और आपको करना क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसके पश्चात उसमें एक कपूर डाल देना है। कपूर के टुकड़े को आपको दीपक के अंदर ही रख देना है। साथ ही साथ आपको दो लौंग लेनी है। दोनों लौंग को आप अपने हाथ में रखें और आपकी जो भी समस्या है आपको उसे दो लौंग में बोल देनी है। अर्थात आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, दोनों लौंग को हाथ में लेकर आपको वह बोल देना है। शांत मन से अपनी वह समस्या या मनोकामना आप दो लौंग से बोल दें। उसके पश्चात आपने जो वह दीपक लिया है, यदि आपके पास दीपक ना हो तो आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा कि ये दोनों लौंग को आपको कपूर के ऊपर रख देना है और फिर कपूर को जला देना है। उसके पश्चात ये जलती हुई कपूर और लौंग को आपको अपने पूरे घर में दिखा देना है, ताकि आपकी जो भी समस्या है, आपके घर में जो भी नकारात्मकता है, वह आपके घर से दूर हो जाए। तो आपको यह उपाय कर लेना है। साथ ही साथ आपके घर में धन की जो भी समस्या हो वह समाप्त हो जाए। यदि आपके यहाँ पर चांदी की कटोरी है तो यह उपाय आप चांदी की कटोरी में भी कर सकते हैं, ना हो तो आप मिट्टी के दिए में भी कर सकते हैं। यह उपाय दरिद्रता को दूर करने के लिए किया जाता है, वह सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ। आप यह उपाय भी अपने घर के सुख शांति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। यदि नहाने के पानी में आप कपूर का तेल या कपूर का चूरा कर मिलाकर नहाते हैं, उस पानी से नहाने से भी घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके साथ ही साथ एक और उपाय है, वह उपाय भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को भी आप ध्यान से सुने। तो करना क्या है, यह उपाय आपको केवल और केवल मंगलवार के दिन ही करना है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है या फिर आपके घर में कलेश ज्यादा रहता है, तो आपको कपूर के टुकड़े को घी में डुबाकर जला देना है। उसको जलाने के पश्चात आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ जो भी उपाय बताए हैं, आप वह कोई भी उपाय कर सकते हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य रिप्लाई दूंगी। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सीताराम राधेश्याम।